ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप नहीं घटके में मैं आपको जब घटना नहीं चाहता हूँ, इसलिए पहले मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप वहाँ जाइए यहाँ जाइए। किसका संबंध किससे सीधे राइट आपका ही आपका जो क्षेत्र है वो आता है नहा बजे थाना क्षेत्र। शराब की दुकान का जो विरोध है यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं, क्या कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही? ये तो मैं मतलब ये प्रशासन का काम है कि जब भी पहली बार कोई कंप्लेन लेके आता है तो उनकी चप्पलें घिसाई जाती है कि आप पहले यहाँ जाओ वहाँ जाओ इधर जाओ उधर जाओ, ताकि थक हार के आदमी घर बैठ जाए और विरोध कर नहीं पाए। अब इनको तो ऐसा इनके बच्चे तो VIP कॉलोनी में रह रही है। आपका विरोध किस बात को लेकर है? हमारा विरोध ये है कि हमारे रहवासी क्षेत्र में कलाली चल रही थी छोटी सी कलाली, अब हो गया उसका बड़ा रूप। अब वहाँ पे लोग बाहर पहले आते थे तो अंदर बैठ के पी लेते थे, अब हाथे बंद हो गए तो सड़क पे लोगों बैठ के पीते हैं। आती जाती औरतों पे कमेंट करते या तो उनकी पीठ पे या उनकी कमर पे या कैसे भी, और छोटे 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 बच्चे जो रहते हैं वहाँ, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो ये हमारे बच्चे वहाँ से वो ढक्कन और अड्डे बीन के ला रहे हैं। तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या हम दे रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए आगे क्या करो? हमारी बहू बेटे को चलो हम तो लोगों से विरोध करके लड़ लेंगे, हमारे घर में नहीं बहुएं आ रही है, हमारी छोटी बेटियां हैं, तो उनको इनके बीच में हम कैसे छोड़ दें? और दारू पीने के बाद लोग अपनी खुद को नहीं संभाल सकते हैं तो दूसरे की बहू बेटियों को पहचानेंगे कि इनके साथ कैसी बात करनी चाहिए? आप कह रहे थे टीवी साहब को कि आपको धमकियां भी आ रही है, कौन लोग है धमकी देने वाले? अब सब जो धमकी आ रही है डायरेक्टली आके मेरे को समझा के चले गए हैं कि तुम विरोध कर लो हमारा क्या कर लोगी। तो हमने कहा हम विरोध यहाँ भी करेंगे, थाने पे भी करेंगे और आगे भी करेंगे। कौन सी क्षेत्र का मामला है ये? टोड़ी क्षेत्र का मामला है, वार्ड क्रमांक 41, और हमारी पार्षद जो है अंतिम जी पड़ियारे जो हमारे कहने पे भी नहीं आए। देखो उनको भी हमने फोन लगाया था कि वो हमारा सारा काम देखे, और लक्ष्मी विहार कॉलोनी तो हम चाहते हैं कि सिर्फ तोड़ी से लेके जो धूनी तक है इतने इतने एरिया से आप हटा दो और कहीं जगह दे दो उनको। पर आपको मालूम है कि आबकारी का राजस्व का मामला आबकारी विभाग का रहता है? आबकारी विभाग वाले हमारे साथ आके कुछ दिन रह ले तो उनको भी पता चल जाएगा कि हम बेवकूफ नहीं है, विरोध करने क्यों आए हैं, हम शाम का खाना क्यों छोड़ा है हमने, ये हम उनको बताएंगे। आबकारी विभाग वालों के उनके घर में उनकी बच्चियां हैं उनकी बहू है, उनको भी हमारे साथ लाके बिठाए तो वो भी बताएगी कि वो माहौल जीने लायक है कि नहीं है। हम सभी लोगों ने लोन पे मकान लिए मात्र 15-15, 16-16 लाख के, जिसकी हम इंस्टॉलमेंट भी भरते हैं, हमारा जैसे तैसे घर चलाते हैं, और इन लोगों से हम लड़ेंगे तो ये लोग तो क्या है गड्डी फेंक के ना अपना हमारा विरोध खत्म कर देंगे। अब अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, अगर प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया, आबकारी विभाग ने हमारा साथ नहीं दिया, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक या तो हम भूख हड़ताल करेंगे, मर जाएंगे या कुछ भी
भी करेंगे, पर उस एरिया में ये कलाली नहीं लगने देंगे, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये बच्चे हमारे छोटे छोटे वो कलाली के आसपास जाते हैं नहीं, तो वहाँ पे उसे बियर के ढक्कन भी इनके लाते हैं। थोड़े दिन बाद जाएंगे तो वहाँ से बीड़ी के अड्डे उठा के लाएंगे, फिर बाद जाएंगे तो खुद ही पी के आ जाएंगे। तो हम हमारे बच्चों का भविष्य, अगर इनको पीना होगी ना तो थोड़ी दूर जाके पी के आएंगे तो हम संभाल भी लेंगे। अब यही कहीं आए तो हमारे घर में माहौल बना रहे हैं ना ये लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा वोड़ाना है।